परीक्षा पर चर्चा के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद द्वारा अभी हाल ही में बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए जो एमसीक्यू के रूप में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में यहाँ जो परीक्षा करवाई जा रही है, यह परीक्षा सिर्फ और सिर्फ कोरोना संक्रमण काल के कारण करवाई जा रही है। इससे पहले और आने वाले समय में जो परीक्षा है वो जैसे सामान्य परीक्षा होती थी 3 घंटे की, उसी रूप में होगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को कुछ अन्य WhatsApp ग्रुप में भी शेयर कर दें ताकि प्रत्येक विद्यार्थियों तक इस वीडियो की जानकारी पहुँच पाए। परीक्षा से जुड़े हुए PDF फाइलों के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम PDF फाइलें वगैरह निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं। आज की ये वीडियो है चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा परीक्षा के टाइम को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया है के संबंध में। अगर आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक कॉपी चाहिए तो हमारे पास PDF कॉपी के रूप में है, जो कि हमने बहुत से स्टूडेंटों के साथ शेयर की है। अगर आपको ऐसी कोई भी कॉपी की आवश्यकता है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास भी बहुविकल्पीय प्रश्नों के संबंध में अगर कोई कॉपी है तो वो आप हमें इस नंबर पर भेज भी सकते हैं, ताकि जिस तरह आपको किसी दूसरे विद्यार्थी से सहायता मिल रही हो, वैसे ही आपके द्वारा तैयार किए हुए क्वेश्चन जो हैं वो PDF रूप में दूसरे विद्यार्थियों को भी प्राप्त हो सके। अभी हाल में ही 23 तारीख को ही चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएड के लिए होने वाले एग्जाम के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि एक तरह से बीएड सेकंड ईयर के लिए 26 तारीख से जो एग्जाम शुरू हो रहे हैं, इस एग्जाम क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वेश्चन या टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर देखें तो पहले जो 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर था उसमें इससे पहले वो 60 मिनट का था, जबकि अब वो क्वेश्चन पेपर 80 मिनट का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जो 45 सेकंड में एक प्रश्न का उत्तर देना था वो अब उत्तर आपको 45 सेकंड की बजाय 60 सेकंड में देना होगा। ऐसे ही 70 नंबर के क्वेश्चन पेपर में पहले 53 मिनट का टाइम था, लेकिन अब वो बढ़ा करके 70 मिनट का हो गया है। ठीक इसी तरह 60 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें 45 मिनट का टाइम था, अब वो बढ़ा करके 60 मिनट यानी कि पूरा 1 घंटा हो गया है। ठीक इसी तरह 40 क्वेश्चन का जो पेपर था जिसमें कि 40 बहुविकल्पीय प्रश्न आने थे, अब उसमें 40 की बजाय 40 क्वेश्चन में पहले जो 45 मिनट के हिसाब से 30 मिनट लगने थे, 45 सेकंड के हिसाब से 30 मिनट लगने थे, अब वही 40 मिनट हो गया। यानी कि ये चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का छात्र हित में बहुत ही अच्छा फैसला है, जिसमें कि उन्होंने ऐसा किया है कि टाइम पीरियड जो बढ़ा दिया है, और टाइम पीरियड बढ़ाने का सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो प्रत्येक स्टूडेंट को ही मिलेगा। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि 23/10/2020 को जारी हुआ है और ये यूनिवर्सिटी का बिल्कुल अधिकृत ओरिजिनल नोटिस है। इसका सबसे बड़ा फायदा प्रत्येक विद्यार्थी को मिल पाएगा। परीक्षा के संबंध में मिलने वाली इसी तरह की नई और ताज़ा अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। परीक्षा पे चर्चा के संबंध में ये हमारी दूसरी वीडियो थी। अगर आपके पास इसी तरह की कोई बेहतरीन जानकारी है, खासकर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से जुड़ी हुई कोई PDF कॉपी है तो वह आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर शेयर कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को आगे शेयर कर सकें। अगर आपको इसी तरह की कोई अगर PDF फाइल की आवश्यकता है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। हमारे पास जो उपलब्ध PDF फाइलें हैं वो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो WhatsApp ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँच सके। धन्यवाद।